नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। बक्सर से एक खबर आई है कि बक्सर में जो महिला जेल है वहां से कैदी के साथ मारपीट किया गया है और इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन तमाम दोषियों को समन भेजा है कि वो सभी कोर्ट में हाजिर हो जाए। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि मंडल महिला कारावास में पूनम देवी की नाम की एक कैदी बंद है और उनका कहना है कि उनके साथ 4 अगस्त 2022 को मारपीट की गई है। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूनम ने जेल के अंदर 12 लोगों पर आरोप लगाए हैं, जेलर सहित, जेल अधीक्षक सहित, कक्षपाल और तमाम वहाँ पर जो सुरक्षा में लोग मौजूद है सब पे आरोप लगाई है। पूनम का कहना है कि उन्हें इतना मारा गया कि वह बेहोश हो गई थी और इस मामले को लेकर के वह कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन तमाम 12 लोगों पर जिन पर पूनम ने आरोप लगाया है संज्ञान लिया है और सबको समन भेजा है और 20 जनवरी 2023 को सबको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। महिला बंदी के साथ जो मारपीट हुआ था, महिला बंदी ने 4/8/2022 के महिला बंदी के साथ घटना हुआ 10:30 बजे रात्रि में और उसके बाद एडीजे 3 के यहाँ सेशन ट्रायल 163/22 में जब महिला कैदी आई तो हमने उसमें आवेदन दिया। उसके बाद 192 में ट्रांसफ़र हुआ ACGM 4 के यहाँ। ACGM 4 द्वारा सभी गवाहों के गवाही लेने के बाद इन लोग के विरुद्ध जेल सुपरिटेंडेंट समेत 12 मुद्दालय लोग पर संज्ञान लिया गया और सम्मन निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। तो आपको बता दें कि पूनम राय ने जो मामला कोर्ट में दर्ज किया है उसमें कोर्ट में सबका बयान हो गया है, पूनम का बयान हो गया है, डॉक्टर का बयान हो गया है और इसलिए कोर्ट ने समन भेजा है। आपको बता दें कि जिस डॉक्टर ने पूनम का इलाज किया है उसका भी कहना है कि पूनम जब हमारे यहाँ आई थी तो उनके थाई में काले का दाग, उनके थाई पर काले धब्बे थे, काला निशान था और पीछे बैक में भी काला निशान था, ऐसा कहना है डॉक्टर का। जी, कुछ महीने पहले की शायद घटना है, पूनम देवी शायद लगता है नाम था, कंफर्म तो नहीं लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि पूनम देवी नाम था और महिला जेल से आई थी और उनके थाई में और बैक साइड थाई में ब्लैकनिंग ऑफ स्किन था, स्किन पूरा काला दिख रहा था, इससे प्रतीत हो रहा था कि हो सकता है चोट लगा होगा और छाती में दर्द भी बता रही थी और पेट में भी दर्द बता रही थी। तो उस पेशेंट को मैंने पूरी अच्छी तरह एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी इंजेक्शन वगैरह था, पानी वगैरह मैंने एडवाइज किया और लगाया भी वहाँ पे, और लगाने के बाद जांच पड़ताल कराया, एक्सरे कराया छाती का, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया, चोट लगने के वजह से भी काला हो जाता है, स्किन ब्लैक होने लगता है चोट लगने की वजह से भी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके साथ मारपीट हुई है, हो सकता है। जेल के अंदर कक्षपाल जूली जो है वहाँ मौजूद थी घटनास्थल पर, जूली ने भी बयान दर्ज कराया है, जूली ने भी अपना बयान दर्ज करा दिया है कोर्ट में और जूली का कहना है कि जेलर सहित तमाम जिन लोगों पर आरोप लगा है वह सत्य है। उनका कहना है कि इनके साथ मारपीट हुआ और जब हम आए तो देखे कि यह बेहोश थी तो हमने इनका बीच बचाव किया, इनके मुंह पे पानी छिड़का और तब जाके इनको होश आया। हालांकि इस पूरे मामले में हमने जेल अधीक्षक शालिनी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, शालिनी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, दो महिला कैदी थी उसमें आपस में भिड़ गई थी और आपस में मारपीट हुई थी, हम लोग बीच बचाव करने जरूर गए थे। उनका यह भी कहना है कि पूनम जेल के मैनुअल को नहीं मानती है, उनका कहना है कि रूल नहीं मानती थी, जेल मैनुअल नहीं मानती थी, चाहती थी कि हर दिन मुलाकाती से इनकी मुलाकात हो जाए, घर का खाना मंगाना चाहती थी, बाहर से सामान मंगाना चाहती थी और हम लोग इसका विरोध करते थे, इसीलिए हम सब पर ऐसा पूनम ने आरोप लगाया है। पर जेल प्रशासन पर आरोप लगाने वाली पूनम देवी एक कैदी हैं जिन पर 2018 में एक जच्चा बच्चा जान लेने का आरोप लगा था और उसी मामले में वो फिलहाल जेल में है। आपको बता दें कि केस के अनुसार पूनम देवी एक क्लिनिक चला रही थी, इनके पास कोई अनुभव, कोई डिग्री नहीं था, उसके बावजूद भी क्लिनिक चला रही थी और वहाँ पर एक गर्भवती महिला आई थी जिनका इन्होंने इलाज किया था, उस दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। उसी मामले में इन पर केस हुआ 2018 में और ये 2022 जनवरी 2022 को इनको गिरफ्तार किया गया है, तब से फिलहाल यह जेल में है और इन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है। अब जेल में जेल प्रशासन के तमाम लोगों को 20 जनवरी को बुलाया गया है, अब देखना है कि न्यायालय क्या फैसला करती है।